हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानिए एक वेपराइजर की पावर कंजम्पशन। हमारे पास एक ये लोकल सा वेपराइजर है जो कि ऑर्डिनरी हर घर में देखने को मिल जाता है। देखिए वेपराइजर कुछ ऐसा है, नॉर्मल ऊपर इंडिकेटर, यहाँ से स्टीम निकलती है, और एक लोकल वेपराइजर है। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम करता है, वाटेज में और एम्पियर्स में। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक है पावर मीटर जो बताएगा कि कितनी वोल्टेज ये कंज्यूम करता है वॉटेज में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने अपना वेपराइजर पावर मीटर से कनेक्ट कर दिया है। चलिए पावर मीटर को ऑन करते हैं। ऑन करते ही जो पावर कंजम्पशन ये स्टार्ट करता है वो आप देखें 492 वाट्स। ये काफ़ी ज़्यादा वाटेज है, यानी कि हाफ किलो वाट के आसपास ये वाटेज कंज्यूम करता है। आप देखिए 501-503 वाट्स ये कंज्यूम कर रहा है। अगर हम इसके बाकी और डिटेल्स पढ़ें तो मैं आपको दिखाता हूं। पावर फैक्टर जो है वो है 1, पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा है। करंट जो ये कंज्यूम कर रहा है वो है 2000 मिली एम्पेयर, यानी कि 2 एम्पेयर के आसपास। एक आज की डेट में अच्छा एयर कंडीशनर 2000 एम्पेयर नहीं कंज्यूम करता। ये है इसकी वोल्टेज। पावर आप देखें तो पावर कंजम्पशन जो है वो है 324 वाट्स। इस वीडियो में बस इतना ही।